स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आ जाने से गाजियाबाद में बढ़ने वाली है प्रोजेक्ट्स की डिमांड। गाजियाबाद तब्दील होने जा रहा है स्मार्ट सिटी में और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत होगी 2000 करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ई साइकिल, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसे सुविधाओं पर गौर किया जाएगा। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगी। रेरा ड्राफ्ट रूल्स के चलते ग्राहक उतारू हो सकते हैं प्रदर्शन पर। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को अब तक 200 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी है ड्राफ्ट रूल्स को लेके। लोगों को ये बोला गया है कि अगर उन्हें ड्राफ्ट रूल्स में कोई दिक्कत है तो वे 15 मई तक अपनी आपत्ति जता सकते हैं। गवर्नमेंट लोगों की राय सुनने के बाद ही फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगी। ग्राहकों की डिमांड अगर पूरी नहीं की गई तो वे प्रदर्शन पर उतारू हो सकते हैं। नोएडा बिल्डरों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को ये वादा किया है कि इस साल के अंत तक वे 25,000 फ्लैट्स लोगों को दे देंगे। बिल्डर्स ने नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के CEO अमित मोहन प्रसाद को ये वादा किया है कि दिसंबर 2017 तक वे 25,000 घर समय पर दे देंगे। क्रेडाई के प्रेसिडेंट गीतांबर के साथ मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि सभी बिल्डर्स घर के साथ साथ घर बनाने का रोड मैप भी अथॉरिटी को जमा करेंगे। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने वेंकैया नायडू से ये वादा किया है कि वे रेरा रूल्स की दोबारा से जांच करेंगे। CM योगी आदित्यनाथ ने हाउसिंग मिनिस्टर वेंकैया नायडू को भरोसा दिलाया है कि वे रियल एस्टेट रूल्स की जांच करेंगे ताकि ग्राहकों को कोई परेशानी ना हो। 6 मई को CM ने सभी बिल्डर्स से ये कहा था कि अगर वे समय पर लोगों को पैसा नहीं वापस करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। यूपी के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर की कल होगी ग्राहकों से मुलाकात। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट मिनिस्टर सतीश महाना नोएडा में घर खरीदारों से कल करेंगे मुलाकात। ग्राहकों और डेवलपर्स के बीच चल रही मुसीबत को सुलझाने के लिए कल बातचीत करेंगे महाना। सतीश महाना नोएडा अथॉरिटी के काम का भी मुआयना करने जाएंगे। महाना ने ग्राहक और बिल्डर्स की दो अलग अलग मीटिंग बुलवाई है।